हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टमाटर की पौध के बारे में। मैं आपको टमाटर की पौध तैयार करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूं, और साथ ही जब पौध तैयार हो जाए तो इन नन्हे पौधों को कैसे ट्रांसप्लांट करना है ये भी मैं बताऊंगी। टमाटर के अलावा और भी कई सब्जियां हैं जिनकी हमें पहले पौध तैयार करना होती है, जैसे मिर्ची है, बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। इनके पहले हमें छोटे छोटे ये प्लांट तैयार करने होते हैं, और इसके बाद फिर इन्हें जिस भी पॉट में हमें लगाना है उसमें इन्हें शिफ्ट कर देते हैं। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम डायरेक्ट ही बो सकते हैं, जैसे मूली है, गाजर है, चुकंदर है, मटर है, पालक है, और भी कई सब्जियाँ हैं जिन्हें हम डायरेक्ट ही लगा देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टमाटर की पौध हमें कैसे तैयार करना है। तो पौध तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले अच्छे सीड चाहिए, पर यदि आपके पास सीड नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे टमाटर के सीड तो जो गार्डनिंग की शॉप वगैरह हैं उन पे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, पर यदि आप नहीं ला सक रहे हैं तो आप जो किचन में टमाटर यूज़ करते हैं सब्जी बनाने के लिए, जो टमाटर लेते हैं उसी से हमारी पौध तैयार हो जाएगी। इनमें से आप कोई भी एक अच्छा सा पका सा लाल टमाटर चूज़ कर लीजिए। एक अच्छा सा पका टमाटर इस तरीके से ले लेंगे और उसे देखिए कट कर लेंगे, उसके पीस काट लेंगे। देखिए कैसे काटना है। ये इस तरीके से हमको इसके पीस कट कर लेना है। ये देखिए, और इन्हें हमें सॉइल में दबा देना है। बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए, ऐसे इन्हें रख देंगे। और इन्हें सॉइल से कवर कर देंगे। और अच्छे से इन्हें दबा देंगे। बस अब पानी डाल देंगे। थोड़ी सी सॉइल और डाल देंगे, ये कवर रहना चाहिए। बस 10 से 12 दिन में ये जर्मिनेट हो जाएंगे। ये देखें, 20 से 25 दिन में इस तरीके की पौध तैयार हो जाएगी। 5 से 6 इंच के सीडलिंग तैयार हो जाएंगे। अब इन्हें हम जिस भी पॉट में हमें लगाना है उसमें शिफ्ट करेंगे। तो पॉट हमें कम से कम 12x12 का चाहिए। इससे बड़ा भी हो सकता है पर छोटा नहीं होना चाहिए। चाहे वो ग्रो बैग हो, चाहे वो गमले हों, जिसमें भी आपको लगाना है उसकी गहराई कम से कम 12 इंच तो होना ही चाहिए। टमाटर को लगाने के लिए या कोई भी सब्जियां हों, सब्जियों के प्लांट लगाने के लिए अच्छी रिच सॉइल चाहिए जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हों। तो मैंने इसके लिए 50% गार्डन सॉइल ली है और इसमें 40% मैंने कंपोस्ट मिक्स किया है। आधा भाग मैंने गोबर का खाद लिया है और आधा भाग वर्मी कंपोस्ट डाला है। एक मुट्ठी मैंने ली है नीम की खली और थोड़ी सी ली है मैंने सरसों की खली। इस तरीके से ये अच्छी रिच सॉइल तैयार कर ली है। अब बस सबसे पहले एक छोटा सा ऐसा गड्ढा टाइप का बना लेंगे और इसमें भी थोड़ी सी ये वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर।
बस अब धीरे से एक प्लांट निकाल लेंगे। मैंने इसमें पानी डाल रखा है तो ये इजीली निकल जाएगा। अब आपको ये 3 इंच तक का पार्ट जो है हमें सॉइल के अंदर करना है। बस इस तरीके से देखिए हमारी ये पौध लग गई है। बस अब पानी डाल देंगे। देखिए सारे प्लांट मैंने इसी तरीके से ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। कुछ ग्रो बैग में लगा दिए हैं और कुछ ये आटे के जो बैग होते हैं उनमें लगा दिए हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए इवनिंग का समय बहुत अच्छा होता है। रात भर में प्लांट अच्छे से सेट हो जाते हैं। बस अब 1-2 दिन इन्हें तेज़ धूप से बचाना है और उसके बाद तो इन्हें फुल सनलाइट ही चाहिए। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।